जमी से आसमां तक खौफदारी है पूजाओं का। रावण है कहाँ? तैयार हो रहे रावण। कुटुंबनी थी तेरी तुझको यहाँ तक खींच लाई है, मुकम्मल राज करने की हवस दिल में समाई है। लंका का राजा रावण, ये हमारी रामायण है जो हमारे बुजुर्ग पाकिस्तान में भी करते थे, फिर हिंदुस्तान में आए, ये वो रामायण लिखी हुई है, इससे हम नाटक मंचन करते हैं। उर्दू के डायलॉग में वजन इतना ज़्यादा है और पब्लिक के सामने जब पेश करते हैं तो उसकी खूब वाहवाही बटोरते भी हैं और खूब तालियां पड़ती हैं। सहाय हो तेरे शंकर, तो शंकर की कसम मुझको, करूंगा सर कलम तेरा, मेरे दर पर सहाय है। जब यहाँ पर आया तो मुझे पता चला कि यहाँ पर उर्दू में रामलीला होती है, अब उर्दू का सवाल है तो इसलिए मैं इनके साथ जुड़ गया। यहाँ पर मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट हूँ, जितने भी कलाकार हैं राम सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रावण सभी को मेकअप करता हूँ, उनका श्रृंगार करता हूँ। जिसको भी मैंने बताया कि उर्दू में रामलीला होती है तो वो चौंक जाता है कि ऐसा भी होता है, ये हिंदुस्तान की शायद पहली ऐसी रामलीला है जो उर्दू में होती है। खुश नसीबी समझो मेरी कि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा जो रोल है इसमें रावण के बेटे खर का रोल है, तो इसमें जब रूपनखा की नाक कट जाती है तो उनके भाई के पास आती है, तो उस समय ये डायलॉग है कि नाक कटा नकटी हो आई, चेहरा लहू लुहान हुआ, बताओ बहना रूपनखा ये कैसा घमसान हुआ। किस जानिन ने की हरकत, किसके सर पर मौत चढ़ी, जीने से दे जा रहे कौन, किसकी आ गई बुरी घड़ी। जैसे सबको अट्रैक्ट करती है, वैसे मुझे भी अट्रैक्ट की यार, हिंदी में और अवधि में तो हमने सुनी है, संस्कृत में भी है वाल्मीकि जी की लिखी हुई, लेकिन ये उर्दू की अल्फाजों वाली कैसी रामायण होगी, ये अपने आप में मैं इसके लिए अट्रैक्ट हो गया इसकी तरफ कि यार यहाँ तो ज़रूरी है जाना। इनके उर्दू के अल्फाज हैं वो अपने आप में इतने सॉफ्ट हैं कि और ज़्यादा वो उस रोल को वो जीवंत करने लगते हैं। मुझे जितनी प्यारी संस्कृत और हिंदी लगती है उतनी प्यारी उर्दू लगती है, क्योंकि कहते हैं दोनों बहनें हैं। मेरा नाम योगंधा वशिष्ठ है, मैं 12th स्टैंडर्ड की स्टूडेंट हूँ और एक सिंगर भी हूँ। यहाँ पे मैं सीता जी का रोल कर रही हूँ, पिछले 4 साल से उर्दू नहीं सीखी, स्कूल का सिलेबस ही सीखती हूँ मैं बस। हाँ, पर जो वर्ड स्क्रिप्ट में है वो याद करें, उनका प्रोनंसिएशन सीखा है। जब हनुमान जी अपनी राम जी की मुद्रिका लेके आते हैं अशोक वाटिका में, और तब सीता जी बोलती हैं ये कभी मुमकिन नहीं है, बस ख्याल खाम है, राम की मुंदरी का भला लंका में क्या काम है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, ये सीता जी जो हैं घर पे तो पढ़ती बैठती हैं नहीं, अब उनको कह रहे हैं कि अभी आपका रोल है अभी मत पढ़ाई करो, लेकिन वहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ने में लगी हुई हैं। और ये जब हमने इससे पूछा कि सीता का डायलॉग बोलिए, तो उसकी जगह पे हमें वो ज्योग्राफी के रेक्टिफिकेशन सुनाने लग गए। मैं ही हूँ जिससे फलक तक खौफ खाता है, फलक एक उर्दू शब्द है, मैं ही हूँ जिससे कुर्राए अर्ज भी थर्राता है, कुर्राए अर्ज ये उर्दू के शब्द हैं। हुक्म से मेरे ये सूरज जगत में जगमगाता है, मेरी ही आज्ञा से ये चांद भी गर्दिश लगाता है। गर्दिश आप देखेंगे ये उर्दू के शब्द है ये सारे, तो इनको बोलने में बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, और इससे ना काफिया मिलता जाता है और एक आपके डायलॉग का इतना हैवी वेट हो जाता है जो पब्लिक बहुत लाइक करती है। अस्सलाम वालेकुम बरखुरदार, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट और शेयर कर दें तो हमें बहुत खुशी होगी, फिर ना कहना हमें आपको बताया नहीं।